गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम आपको हिंदी की कक्षा में आ की मात्रा सिखाएंगे। आ की मात्रा पहले भी आप कर चुके हैं, आशा करती हूँ अब तक आपको आ की मात्रा पढ़ना आ गया होगा। तो आज हम फिर से आ की मात्रा करेंगे, लेकिन हम आज आ की मात्रा चार अक्षर पर प्रयोग करेंगे। ये है हमारे चार अक्षर, ये देखिए, एक दो तीन चार। तो ये चार अक्षर हैं, इन पर हम आ की मात्रा लगाकर इनको सार्थक शब्द बनाएंगे। सार्थक का अर्थ क्या होता है कि हमको आ की मात्रा लगाकर ऐसे शब्द बनाना है जिसका कोई अर्थ निकलता हो। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे ये शब्द है, ये क्या है चार अक्षर का, टमटर, ट म टर। टमटर से कोई अर्थ नहीं निकलता, तो हम यहाँ पे म पे आ की मात्रा लगाते हैं, टमाटर। ठीक है, अब ये टमाटर बन गया। अब ये है बरसत, बरसत का कोई अर्थ नहीं है, हम सा पे लगाएंगे आ की मात्रा, बरसात। टमाटर तो आप जानते ही हैं, सब्जी का नाम है, बरसात यानी बारिश। ये है हमारा पकवान, तो हम वा पे आ की मात्रा को लगाएंगे, पकवान यानी कि हलवा पूड़ी जो आप त्योहारों पर बनाते हैं। बलवन, बलवन का भी कोई अर्थ नहीं निकलता, तो हम वा पे फिर से लगाएंगे, बलवान यानी कि ताकतवर। अब ये है अखबर, अखबर तो आप समझ ही गए होंगे, अखबार कुछ नहीं, अखबार यानी न्यूज़पेपर जो आप सुबह पढ़ते हैं। अब है चमकन, चमकन, चमकन क्या, इस ये भी अधूरा शब्द है, इसको हम चमकना। ठीक है, अब ये सार्थक शब्द बना। ये है भगवान, भगवान में हम वा पे आ की मात्रा लगाएंगे, भगवान। अब ये है जानवर, तो हम यहाँ पर अगर वा पे लगाते हैं तो जानवर हो जाएगा, तो जानवर तो कोई शब्द नहीं होता, तो हम जा पे लगा देते हैं। अब ये बन गया जानवर यानी कि एनिमल्स। दरबर, दरबर क्या होता है, दरबर का कोई अर्थ नहीं है, हम यहाँ पे बा पे लगाएंगे की मात्रा, दरबार, दरबार यानी राजा का दरबार। अब यहाँ पर पठशल, पठशल लिखा है, तो हमें अपना सार्थक शब्द बनाने के लिए एक से ज्यादा बार भी आ की मात्रा लगा सकते हैं। जैसे पाठ, शाह पे ही आ की मात्रा नहीं होती, ये शाह के साथ ही होता है, हम एक और आ की मात्रा लगाएंगे, शाह, और ये हो गया ला, पाठशाला, पाठशाला मतलब स्कूल, पाठशाला। समचर, समचर से बनेगा समाचार, समाचार यानी न्यूज। ये है सदचर, सदचर से बनेगा सदाचार, दो बार हम आ की मात्रा लगाएंगे, सदाचार यानी कि अच्छा व्यवहार। ये है आपका गृह कार्य, आ की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। जैसे मैंने यहाँ पे आ की मात्रा लगाई है, आप भी यहाँ पर आ की मात्रा लगाकर सार्थक शब्द बनाएंगे। आप एक बार आ की मात्रा लगा सकते हैं और दो भी लगा सकते हैं, लेकिन शब्द सही बनना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये है आपकी आ की मात्रा, और आपको ये शब्द बनाने हैं और मुझे दिखाने हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक आ की मात्रा का वीडियो भेजा है, आपको उसे ध्यान से पढ़ना है और रीड करना है और सुनना है। इसके अतिरिक्त हमने आपको एक वीडियो भेजी थी आम की कहानी, तो जिन भी बच्चों को वो आम की कहानी याद हुई है, वो बच्चे याद करके एक छोटा सा वीडियो बना के मुझे भेजेंगे। ठीक है बच्चों, आम की कहानी सुनाएंगे याद करके, तो चलिए इंतज़ार करते हैं आपके वीडियो का। धन्यवाद।